आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अगर आपको मेरा वीडियोस बहुत पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए तो लेट्स स्टार्ट जो हम लोग प्लांट देखते हैं ना लाइक हम लोग को प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो बिफोर वी स्टार्ट विथ रिप्रोडक्शन तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या रिप्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली बच्चे पैदा करना अभी इंसान में क्या होता है इंसान में गर्लफ्रेंड चाहिए बॉयफ्रेंड चाहिए जब दोनों मिलेंगे शादी करेंगे तो बच्चे हो जाते हैं ना तो हम लोग को गर्लफ्रेंड चाहिए बॉयफ्रेंड चाहिए ऐसा इंसान को चाहिए और बहुत सारे जानवरों को ऐसा चाहिए शेर चीता बहुत सारे जानवर है पर दुनिया में ऐसे भी जानवर हैं और ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं है उसके बिना भी बच्चे पैदा कर सकते तो उनको बोलते हैं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम इंसानों में असेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता अगर हम लोग में गर्लफ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ती है बच्चे पैदा करने के लिए तो हम लोग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो प्लांट्स में भी दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं असेक्शुअल और सेक्शुअल पर इंसानों में खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसलिए आप खुश रहो अगर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता तो बिना सेक्स के बच्चे हो जाते पर प्लांट्स में तो ऐसा होता है कि असेक्शुअल भी बच्चे पैदा कर सकते और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके भी बच्चे पैदा कर सकते तो जो अच्छे प्लांट दुनिया में सबसे अच्छे जैसे रोज का फ्लावर जो गर्लफ्रेंड को लोग देते हैं हिबसकस का फ्लावर लिली का फ्लावर आम का पेड़ एप्पल का पेड़ ये सब के सब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जो नालायक पेड़ है जो नल्ले डिठले पेड़ हैं जैसे एल्गी वगैरह है उनको गर्लफ्रेंड की भी ज़रूरत नहीं है वो लोग डायरेक्ट बच्चे पैदा कर सकते हैं तो उनको बोलते हैं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन पर हमको पढ़ना है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने को चाहिए तभी बच्चे मेल गैमेट फीमेल गैमेट चाहिए तभी बच्चे पैदा कर सकते हैं अपने को वो वाला रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो प्लांट कैसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है वो हम लोग को जानना है तो प्लांट रिप्रोडक्शन करता है सेक्शुअल तो में जो सबसे अच्छे फ्लावर है दुनिया में जो सबसे मॉडर्न प्लांट है जैसे सबसे अच्छे जानवर आप उन्हें तो सबसे अच्छे वाले प्लांट जो है दुनिया में वो फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए तो जो फ्लावर हम लोग क्या लड़कियां बालों में लगाती है ना जो फ्लावर हम लोग किसी की में oh. लगाते हैं जो फ्लावर अपन शादियों में देखते हैं ना वो खाली दिखावा है वो तो प्लांट का बच्चा पैदा करने का तरीका है तो प्लांट जो होते हैं ना ना वो वो बच्चे कैसे पैदा करते हैं फ्लावर फ्लावर को अपन अपन देखते जाके सूंघने लगते अरे वाह क्या फ्लावर फ्लावर है अपन अपन देखने लगते तो वो जो देख कितने खुश होते हैं ना अपन जाते पर वो बोलू ना तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो अपन बड़े खुश होकर जाके खूबसूरत सूंघते हैं और फिर बालों में लगाती हैं लड़कियाँ उसका माला पहनते हैं शादियों में तो वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मतलब प्लांट उससे बच्चे पैदा करता है तो वो खाली प्लांट का दिखाने का तरीका है आओ मेरे फ्लावर के पास आओ जब आप उसका फ्लावर छूते हो और आप दूसरा फ्लावर छूते हो तब आप उसका मेल गैमेट ट्रांसफर करते हो मतलब राजकुमार ट्रांसफर करते हो एक और एक फ्लावर में जिधर राजकुमारी बैठी है और जब दोनों मिल जाते हैं तो फ्रूट बनता है और वो फ्रूट जो जैसे आप मैंगो खाते हो वो फ्रूट भी दिखाने के लिए आम बनाता है पेड़ और वो फ्रूट के अंदर सीड होती है वो सीड उसका बच्चा होता है सीड उसका बच्चा होता है तो प्लांट जानता है भैया मैं अच्छा फ्रूट बनाऊंगा तो अच्छा आ, क्या बोलते लोग खाएंगे और बीच फेंकेंगे जब बीच फेंकेंगे तो फिर से नया प्लांट उग जाएगा तो जब फ्लावर से मेल गैमेट दूसरे फ्लावर में जाता है फीमेल गैमेट में से इमेजिन करो राजकुमार राज उड़ उड़ के दूसरे फ्लावर में जाएगा और और जब दोनों मिल जाते हैं तो तो बीज बीज बनती है और प्लांट है प्लांट जानता तो कोई ऐसे नहीं फेंकेगा मेरी प्लांट तो चल नहीं सकता वो अपने आजू बाजू फ्रूट बना देता है और वो फ्रूट जब इंसान खाते तो बीज फेंक देता है जमीन के ऊपर तो इसकी वजह से नया पेड़ उग जाता है प्लांट बहुत जानता है प्लांट बहुत शातिर है मालूम आप उन चाहते हैं कि अपना बच्चा लंडन जाए अमेरिका जाए तो प्लांट ऐसा फ्रूट बनाता है कि दुनिया भर के लोग खाते जो आम हमारी इंडिया में मिलता है ना वो लंदन में भी जाके लोग खाते लंदन में तो प्लांट ने अपने बच्चों को इंग्लैंड पहुंचा दिया अमेरिका पहुंचा दिया न्यूजीलैंड पहुंचा दिया किधर किधर पहुंचा दिया जहां आम नहीं उगते वहां पे भी आम फैला रहे तो प्लांट कितना शातिर भाई अपने बच्चों को तो बिना वीजा के ही कहां का भेज दिया उसने तो प्लांट की सब साजिश है और फ्लावर की वजह से ही वो बच्चे पैदा करता है तो अभी हम लोग देखेंगे फ्लावर तो फ्लावर मैंने लिया है रोज़ का तो मेरे पास रोज का फ्लावर है तो ये जो रोज़ का फ्लावर आप देख रहे हो ना ये जो रोज़ का फ्लावर है आप अगर ध्यान से देखोगे ना ये फ्लावर्स को तो ये जो कलरफुल पार्ट है ये एक पत्ते थे एक ज़माने में और ये पत्ते जो होते हैं ना ये अपने आप को मॉडिफाई करते हैं और बनाते हैं ये फ्लावर तो ये जो कलरफुल पार्ट है ना जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं आई लव यू आई लव यू नॉट ऐसे ऐसे करते रहते ये जो कलरफुल पार्ट आपको दिख रहे हैं ना ये पत्ते इनको बोलते हैं पेटल क्या बोलते हैं पेटल्स तो so, मैंने यहाँ पे ड्रॉइग्राम में बना के रखा है इसको बोलते हैं पेटल बोलते हैं ना मैं प्यार करती है क्या नहीं करती है? ये फेंकते रहते हैं तो ये पेटल है दूसरों की शादियों में भी फेंकते रहते हैं तो इनको क्या बोलते हैं पेटल तो ये पत्ते थे एक जमाने में आप जाके पेटल बन गए और आप जब ध्यान से नीचे से देखोगे ना इन प्लांट के हरे हरे पार्ट दिख रहे आपको इन हरे हरे पार्ट्स को बोलते हैं सेप्पल क्या बोलते हैं सेप्पल तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है देखो ये हरे हरे पार्ट दिख रहे हैं ये हरे हरे पार्ट को बोलते हैं सेपल जब आप प्लांट को टकला कर दोगे मतलब पूरा निकाल दोगे ये पेटल पेटल ये सब जब निकाल दोगे तो आपको प्लांट के अंदर इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिख जाएगा और ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है अगर आप ध्यान से देखोगे ना ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो ये इसका रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है ना ये वाला पार्ट ये इसका है ये इधर आपको एंड्रोशियम भी दिखेगा ये देखो ये छोटे छोटे एंथर है और अंदर आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखेगा तो हम लोग अभी रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे तो ये जो प्लांट है इसका जो कलरफुल पत्ता था जो था पेटल और ये जो नीचे हरा हरा पार्ट था इसका नाम था सेपल जब बहुत सारे सेपल हो जाते हैं ना तो उसको बोलते कैलेक्स क्या बोलते है कैलेक्स तो बहुत सारे सेप्पल होंगे तो उसको बोलेंगे कैलेक्स क्या बोलेंगे कैलेक्स और जब बहुत सारे पेटल जो कलरफुल पार्ट था उसको बोलेंगे करोला करोना नहीं करोला करो मतलब ताज तो ये जो पेटल होते हैं ना ये पेटल ये अपने आप को ताज जैसा बना लेते हैं इसलिए इसको बोलते हैं करोला और जब नीचे वाले जो अब आप हरे हरे दिख रहे हो ना ये सेप्पल जब बहुत सारे सेप्पल जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कैलेक्स तो पहला पेटल था और नीचे वाला सेप्पल था तो बहुत सारे बहुत सारे पेटल को बोलते हैं करोला और बहुत सारे सेपल को बोलते हैं कैलेक्स क्या बोलते हैं कैलेक्स तो अभी आपको पता है जब आप प्लांट को टकला कर दोगे मतलब सेपल भी निकाल दो पेटल भी निकाल दो तो आपको उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब बच्चे पैदा करने वाला ऑर्गन तो मेल जो ऑर्गन है उसको बोलते हैं स्टेमिन क्या बोलते हैं स्टेमिन तो आप ये हरी हरी डंडी देख रहे हो ये हरी हरी डंडी ये ना हरी हरी डंडियों को बोलते हैं स्टेमन और जो बीच में आपको पार्ट दिख रहा है ना ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पिस्टल क्या बोलते हैं पिस्टल ये पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेसिकली स्टेमन एक महल की तरह है जिसमें राजकुमार बनेगा और आज के लेक्चर में आप उन स्टेमन को डिटेल में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में आप उन पढ़ेंगे पिस्टल को जिसमें राजकुमारी बनेगी जो है फीमेल गैमेट स्टेमन में बनेगा मेल गैमेट बहुत सारे राजकुमार बनेंगे और पिस्टल के अंदर बनेगा फीमेल गैमेट बहुत सारी राजकुमारियां बनेंगी और अभी अपने अंदर इसमें प्लांट अपने में क्या होता है लड़का अलग होता है लड़की अलग होती है है ना तो अपन है मतलब लाइक एकदम अलग अलग हैं लाइक फीमेल्स अलग होती हैं मेल्स अलग होती हैं तो अपन अलग अलग हैं पर प्लांट में ऐसा भी हो सकता है एक फ्लावर के अंदर मेल हो सकता है दूसरे फ्लावर के अंदर फीमेल क्या फीमेल और है। क्या बोलते हैं गैमेट्स हो सकता है एक प्लांट के अंदर फीमेल गैमेट बन सकता है एक प्लांट के एक फ्लावर के अंदर मेल गैमेट बन सकता है पर ऐसे भी फ्लावर है जिसके अंदर दोनों बन सकता है तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्शुअल फ्लावर क्या बोलते हैं बाइसेक्शुअल फ्लावर तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय बाय सेक्शुअल फ्लावर तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं बाइसेक्शुअल फ्लावर जिस बहुत एक प्लांट के अंदर बहुत सारे स्टेमन हो सकते हैं तो उसको बोलते हैं एंड्रोशियम क्या बोलते हैं एंड्रोशियम एक प्लावर एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे पिस्टल हो सकते हैं तो उसको बोलते हैं गाइनोशियम तो एक प्लांट के अंदर जब आप प्लांट को टकला कर दोगे तो अंदर स्टेमन मिल सकते हैं जो मेल का महल है जिसके अंदर मेल गैमेट बनेगा आपको पिस्टल मिल सकता है जो फीमेल का महल है जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगी राजकुमारी बनेगी और जब बहुत सारे महल फीमेल के होंगे तो उसको बोलेंगे गाइनोशियम और बहुत सारे महल लड़के के होंगे स्टेमन होंगे तो उसको बोलते हैं एनरोशियम तो अभी अपन एंड्रोशियम को डिटेल में पढ़ेंगे मतलब मेल गैमेट जहां पे राजकुमार बनने वाला है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट पैटल ये पिस्टल और पैटल एक पत्ते थे जमाने में

इस थैलमस पे और रिसेप्टर थैलमस में आपको ये, ये जो है ना इसके ऊपर आपको गाइनोशियम मिलेगा और एंड्रोशियम मिलेगा गाइनोशियम मतलब पिस्टल एक एक गाइनोशियम को बोलते हैं पिस्टल और बहुत सारे स्टेमन मिल सकते हैं और ये जो स्टेमन है ना इस थैलमस पे भी अटैच हो सकते हैं और इस Uh, क्या बोलते हैं पिस्टल पे भी अटैच हो सकते हैं तो जो आपका स्टेमन है ना ये स्टेमन ये थैलमस पे भी अटैच हो सकता है ये पिस्टल पे भी अटैच हो सकता है स्टेमन एक महल है जिसमें मेल गैमेट बनने वाले तो ऊपर टकले वाले पार्ट को बोलते हैं स्टेमन के एंथर ये एंथर है और ये डंडी वाला पार्ट जो है ना इसको बोलते हैं फिलामेंट तो फिलामेंट जो होता है ना ये थैल थैलामस या रिसेप्टिकल से भी जुड़ सकता है ये फिलामेंट पिस्टल से भी जुड़ सकता है तो ये जो नीचे का जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं प्रोक्साइमल पार्ट इस ये प्रोक्जाइमल पार्ट थैलामस का रिसेप्टर्स, रिसेप्टिकल से भी जुड़ सकता है और थे, उसको थैलामस भी बोलते हैं ये अपने पिस्टल से भी जुड़ सकता है ये जो डंडी है ना ये काम की नहीं है जो ऊपर का टकला वाला पार्ट है ना एंथर ये काम का है इसके अंदर अपना राजकुमार बनेगा और जो राजकुमारी के लिए हवा में उड़ उड़ के जाएगा शायद पानी के ऊपर उड़ उड़ के जाएगा चिड़िया के ऊपर बैठ बैठ के जाएगा और दूसरी राजकुमारी से मिलने के लिए कितनी मेहनत करेगा ये तो ये इसके अंदर बनेगा अपना मेल गैमेटोफाइट तो आप ये जो जो आपको एंथर दिख रहा है ना इसके दो पार्ट होते हैं ये दो दो लोभ का है देखो इधर वाला लोभ और उधर वाला लोभ और बीच में एक पार्ट पार्टीशन होता है तो इसको बोलते हैं लोभ बोलते क्या बोलते हैं लोभ तो ये एक लोभ हो गया और ये दूसरा लोभ हो गया और बीच में लाल वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रूफ तो ये एक लोब हो गया ये एक लोब हो गया तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बायलोप स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो लोब होते हैं उसको बोलते हैं बायलोप तो दो लोब हो गए और बीच में एक पार्टीशन है Yup. अब ये लोब जो होता है ना अगर आप ये लोब को काटोगे मतलब ऊपर से एंथर को काटो तो आपको मालूम पड़ेगा एक एक लोब के अंदर दो थीखा होते एक लोब के अंदर दो थीखा होते तो ये एक लोब था इसके अंदर दो थीखा एक लोब इसके अंदर दो थीखा तो एक एंथर के अंदर दो लोब होते और चार थीखा होता है क्या एक एंथर है उसके अंदर दो लोब होते मतलब जो टकला वाला पार्ट है स्टेमेन का उस जिसको बोलते हैं एंथर इसके दो लोब होते हैं और ये दो लोब के अंदर एक लोब के अंदर दो थीका होते तो दो लोब चार थीखा हो गए फाइट मेल सॉरी मेल गैमेट बनते हुए दिखेगा ये बना नहीं राजकुमार बनने के लिए बहुत नाटक है अभी देखो कैसे बनता है तो आपने देखा ये चार थीका होते हैं इसके अंदर तो दो लोब होते एक लोब के अंदर दो तीखा तो दो लोब के हो गए चार तीखा अब ये जो ये समझो मैंने एक तीखा निकाला और इसको जूम करके आपको दिखाया तो ये आप एक ठीखा देख रहे हो क्या देख रहे हो थीखा देख रहे हो अब तीखा के अंदर एक माँ रहती है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल तो जो अपना मेल गैमेट है ना इसको माइक्रोस्कोर भी बोलते हैं तो मा, लाइक माइक्रोस्पोर जो है मेल गैमेट है ना उस मेल गैमेट इसको जन्म जो देने वाला है ना उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप तो मेल गैमेट के पप्पा माइक्रोस्को माइक्रोस्कोप है और उसके पप्पा के प पप मम्मी है ना उसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल तो एक मम्मी है, बुरु होती है भाई को बच्चे, करने, बच्चे करने। तो सेल रही है भाई को, तो तो को जन्म देती है।, है चार बच्चों को जन्म देती है तो ये एक बच्चा उसका ये इसका बच्चा ये एक बच्चा सबसे बीच में ये जो आप देख रहे हो ना थीका थीका का जो सबसे बीच वाला पार्ट है ना एक थीका चार थीका में से एक थीका देख रहे इस ठीक में बीच में एक मम्मा बैठी रहती है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल और ये एक चार सेल को जन्म देगी पर अभी क्या करना है चार सेल का आप उन देखेंगे बाद में इस मम्मी के, के आजू बाजू बहुत सारी मम्मी एक मम्मी नहीं है इसके नियोस्ता 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 आजू, आजू बाजू एक और एक लेयर है जिसको बोलते हैं टैपेटम क्या बोलते हैं टैपेटम क्या बोलते हैं टैपेटम उसके बाहर एक और एक लेयर है जिसको बोलते हैं मिडल लेयर उसके बाहर भी लेयर है जिसको बोलते हैं एंडोथी एंडोथीसियम और उस सबसे बाहर भी एक लेयर है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस तो आप जब लेयर देखोगे ना इधर तो सबसे बीच में एक टिश्यू का लेयर है उसके बाहर एक लेयर उसके बाहर एक लेयर उसके बाहर एक लेयर है तो बहुत सारे लेयर हैं इसके अंदर तो सबसे बीच वाले इसको बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू तो यहाँ पे जहाँ मम्मी प्रेजेंट है ना पहले मम्मी नहीं रहती है पहले एक टिशू रहता है जिसको बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू क्या बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू क्या बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू मम्मी बाद में आती है तो मम्मी वाली बाद जिसको माँ बनना है ना वो बाद में आएगी पहले बीच में स्पॉन्जी टिश्यू होगा स्पॉन्जी टिश्यू के आजू बाजू होगा टेपेटम क्या है टेपेटम उसके बाहर होगा मिडल लेयर उसके बाहर होगा एंडोथिसियम और उसके बाहर होगा एपिडर्मिस तो कितने लेयर हो गए स्पॉन्जी लेयर, लेयर तो चार ही है टम, लेयर और एपिडर्मिस तो चार लेयर अब कैसे याद रखने का एकदम इजी तरीका है मम्मी थप्पड़ मम्मी का ऐसे याद रखता हूँ मैं क्या लिखू मैं यहा? तो ऐसे याद रख सकते हो थप्पड़ मम्मी का एक ही एक एक ऐसे याद रखो थप्पड़ मम्मी का एक ही खा आए क्या बोलते खाओगे और तुम्हें यह टीएस याद हो जाएगा थप्पड़ मम्मी का एक ही एक ही टीएस याद करा देगा तो टीएस याद कराने का छोड़ो टीएस मतलब इसको काट के देख रहे थे तो ये इसका टीएस है तो थप्पड़ मम्मी का एक ही तो ऐसे चार लेयर आपको याद हो जाएंगे तो सबसे अंदर वाले को बोलते सबसे अंदर वाले को हैं टैपेटम उसके बाहर है मिडल लेयर तो टी फॉर टैपेटम टी फॉर थप्पड़ फिर उसके बाहर है मम्मी का ना तो एम फॉर मम्मी एम फॉर मिडल लेयर और तो उसके बाहर एक ई e फॉर एक e. एक ई ही बोलते हैं ना एक ही काफी है टी टीएस याद कराने के लिए तो दो बार ई e आ रहा है एक और ई e, तो ई फॉर एंडोथीसियम और ई फॉर एपिडर्मिस तो ये जो सबसे अंदर वाला लेयर है जिसका नाम है टेपेटम टेपेटम के अंदर बहुत सारे टिश्यू बैठे हैं क्या बैठे हैं टिश्यू बैठे हैं क्या बैठे, है? बैठे हैं है? टिश्यू बैठे हैं तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक समझो मिटा के दिखाता हूं मैं सबसे वो चार थी का सबसे अंदर स्पॉन्जी टिश्यू था उसके बाहर टेपेटम उसके बाहर मिडल लेयर उसके बाहर एंडोथीसियम उसके बाहर एपिडर्मिस तो ये स्पॉन्जी टिश्यू है ना इसके अंदर मम्मी आने वाली है और वो मम्मी जन्म देगी माइक्रोस्पोर को फिर माइक्रोस्पोर के बच्चे होंगे फिर बच्चे के बच्चे बनेंगे राजकुमार बहुत लंबा सफर है रा, मेल गैमेट बनने के लिए तो सबसे पहले स्पॉन्जी टिश्यू बनेगा क्या बनेगा स्पॉन्जी टिश्यू बनेगा ये स्पॉन्जी टिश्यू को खाना कौन देगा माँ देखो मारती है थप्पड़ तो मारती है पर खाना भी उसी हाथ से खिलाती है तो याद रखना कि जो टेपेटम है ना वो तुम्हें खाना देगा क्या देगा खाना देगा तो स्पॉन्जी टिश्यू के बाहर होता है टेपेटम जो बच्चे को खिलाएगा और बाकी के जो तो तीन लेयर है ना वो बच्चे को बचाते हैं मेल गैमेट को बचाते हैं मेल गैमेट अंतर बनने वाला है सब जानते हैं राजकुमार बहुत कीमती चीज है तो राजकुमार को बचाने के लिए मेल गैमेट को बचाने के लिए ये तीन लेयर बनाए गए हैं तो अभी अंदर कैसे बनता है बच्चा अपने को वो पढ़ना है तो मेल गैमेट कैसे बनता है सबसे पहले अंदर एक आ, इसको बोलते हैं ये जो जगह है अंदर जहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यू है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरजियम क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजियम स्पोरेंजियम ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ना एक को बोलते हैं है, चार चार और एक थीजियम है तो चार थीका को चार थीका के माइक्रोस्पोरेंजियम को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं और एक को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस क्या बोलते स्पोरोजिनियस टिश्यू है और ये स्पोरोजिनियस टिश्यू जो है ना ये इसके अंदर बनेंगे मम्मी वाले सेल जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के चार बच्चे होंगे कि उसको माँ बनना है और माँ बनने के बाद चार बच्चों को जन्म देगी किसको देगी चार बच्चे को जन्म देंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो बच्चों का नाम अकोस माइक्रोस्पोर होगा तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने जन्म दिया चार बच्चों को जिनका नाम है माइक्रोस्पोर तो माइक्रोस्पोर की मम्मी ने जन्म दिया माइक्रोस्पोर को तो माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव राइज टू फोर माइक्रोस्पोर बाय मियोसिस किससे देती है मियोसिस का एक सेल डिविजन होता है जिसके से चार बच्चे पैदा होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर ये माइक्रोस्पोर अब आ, क्या बोलते आ, क्या बोलते बनाएंगे पोलन ग्रेन तो ये माइक्रोस्कोल ये जो माइक्रोस्पोर है ना आगे जाके बड़े होंगे और दो बच्चों को जन्म देंगे जिसको बोलते आ, दो बच्चों को ज... ये जो माइक्रोस्पोर है ना ये दो बच्चों को जन्म देंगे तो स्पोरोजिन टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने जो स्पोरेंजियम है ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरजेसिव टिश्यू था एक को बोलते हैं स्पोरेंजियम तो एक को निकाला आप और देखा था इसके अंदर मदर सेल है और मदर्स बहुत सारे थे देखो ना कितने सारे हैं अपुन ने पता चला कि एक मदर सेल चार बच्चों को जन्म देती है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो माइक्रोस्कोर को जन्म देती है अब ये माइक्रोस्पोर जब बड़े होते हैं तो दो सेल को जन्म देते हैं पर एक स्ट्रक्चर के अंदर तो मैं दो को दिखा रहा हूं एक सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और एक सेल को बोलते हैं एक सेल को बोलते हैं जेनेरटिव सेल तो ये जो माइक्रोस्पोर हैं, ये जन्म देंगे आगे जाके दो दो सेल को दो सेल को जन्म देंगे एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जेनेरटिव सेल तो ये जो जेनेरेटिव सेल है ना ये बनाएगा राजकुमार तो जिसका अपन इंतजार कर रहे हैं मेल गैमेट का कि जेनेरिटिव सेल बनाएगा तो सबसे पहले एक सेल था जो बीच में प्रेजेंट है स्पॉन्जिज ये थिका के तो ये थिका एक थिका के बीच में जो प्रेजेंट है इसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ने चार बच्चों को जन्म दिया बहुत सारे रहती हैं बहुत सारी मम्मी रहती है पर एक एक मम्मी चार चार बच्चों को जन्म देती है बाय मियोसिस क्या बाय मियोसिस अब ये जो माइक्रोस्पोर है जो माइक्रोस्पोर की मम्मी से पैदा हुआ था ये जो बच्चा है ना ये जाके दो बच्चों को जन्म देता है और वो एक बच्चा बड़ा रहता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और एक बच्चा जो रहता है छोटा सा जिसको बोलते हैं जेनेटिव सेल तो ये होता है माइटोसिस से ये होता है वो होता था मियोसिस से ये होता है माइटोसिस से अब ये जो बच्चा है ना ये दो बच्चा ये जो बड़ा वाला बच्चा है ना इसके अंदर छोटा वाला सेल है तो बड़े वाले सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल ये बड़ा वाला सेल बॉडी गार्ड की तरह है छोटे वाले सेल के लिए क्यों पता है ये छोटा सेल जो है ये राजकुमार बनाने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये नहीं रहेगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे प्लांट के सब कुछ आते बच्चे चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट है तो इसको बच्चे पैदा करने इसलिए इसको बचाना पड़ेगा तो ये लोग एक मर्सडीज में बैठे रहते हैं जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन क्या बोलते हैं ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोलन ग्रेन क्या बोलते हैं ग्रेन तो मैंने ये स्ट्रक्चर को डिटेल में दिखाया है जब आप ये देखोगे ना तो ये अंदर वाला जेनरेटिव सेल है ये बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल के बाहर भी दो लेयर हैं आप जब देखोगे ना तो ये अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इंटाइन और बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एग्जाइन और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोलन ग्रीन तो जब आप प्लांट को छुओगे ना कोई भी प्लांट को समझो एक व्हाइट कलर का प्लांट है ये वाला जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आप ये छू रहे हो ना तो आपने इनके पोलन ग्रीन को छू लिया तो पोलन ग्रेन एक मर्सिडीज गाड़ी की तरह है जिसके अंदर दो जन बैठे हैं, एक है बॉडी गार्ड जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल और एक अंदर जो राजकुमार है जो राजकुमार बनाने वाली सेल है जिसका नाम है जेनेटेटिव सेल तो जब आप प्लांट को छूते हो तब तो आप उसका पोलन ग्रेन पकड़ लेते हो एकदम धूल धूल की तरह एकदम पीला पीला रहता है वो होता है पोलन ग्रेन तो पोलन ग्रेन एक मर्सडीज है इमेजिन करो और उसके दो लेयर है मर्सडीज के दो लेयर है एक है एग्जाइन एक है इंटाइन पर मर्सडीज को ठोको तो थो खराब हो जाती है पर पोलन ग्रेन ऐसी मर्सडीज है जो सालों से चल के आ रही है ऐसे ही भी पोलन ग्रेन साइंटिस्ट लोग को मिले हैं जो अभी तक ख़राब नहीं हुए जब दुनिया में डायनासोर आए थे ना उस जमाने वाले पोलन ग्रेन भी अभी तक मिले हुए हैं तो पोलन ग्रेन एक मर्सिडीज की तरह है जिसके दो दो लेयर हैं बाहर वाले को बोलते हैं एग्जाइन अंदर वाले को बोलते हैं इंटाइन उसके अंदर एक बड़ा सेल है जो बॉडी कार्ड है जिसका नाम है जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल और उसके अंदर एक छोटा सा सेल छुप के बैठा है उसके सेल के बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में पानी के अंदर सेल के जो प्राप पानी होता है शक्कर होती है प्रोटीन होता है उस पानी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म उस साइटोप्लाज्म के अंदर छुपा हुआ है एक छोटा सा सेल जिसको बोलते हैं जेनेटिव सेल और ये जेनेटिव सेल हमारा राजकुमार बनाएगा मेल गैमेट तो ये जेनेटिव सेल बाद में बनाएगा राजकुमार पर ये ये जो स्ट्रक्चर है ना जो एग्जाइन इंटाइन तो इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन अब ये जो एग्जाइन ex है ना ये केमिकल से बना हुआ है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन और जो इंटाइन है ये केमिकल से बना हुआ है जिसका नाम है सेल्यूलोस और पेक्टिन ये स्पोरो पोलोनिन जो केमिकल है ना आप जानते हो ना ये केमिकल जो है ना बहुत ख़तरनाक है मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी एसिड नहीं है ज़्यादातर जो इस केमिकल को तोड़ सके दुनिया में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं मिला है अभी तक जो इस केमिकल को तोड़ सके प्लांट जानता है मेरे बच्चे को खतरा है मेरे राजकुमार को खतरा है तो उसने ऐसी मर्सिडीज बना के दिए जो इतनी आसानी से टूटने नहीं वाली ज़्यादातर कोई भी एसिड ये एग्जाइन को तोड़ नहीं सकता कोई भी बेस इस एग्जाइन को तोड़ नहीं सकता कोई भी एंजाइम इस एग्जाइन को तोड़ नहीं सकता यहाँ तक ज्यादा कर कितनी भी गर्मी लगा दो कितनी भी ठंडी लगा दो ये एग्जाइन नहीं टूटने वाला पर प्लांट को ये जो मेल गैमेट है इसको तो बाहर निकलना पड़ेगा ना एक समय के बाद मसडी से बाहर निकलना पड़ेगा राजकुमारी से मिलने के लिए तो ये एग्जाइन में छोटे छोटे होल होते जिसको बोलते हैं जमपोर क्या बोलते हैं जमपोर तो जब राजकुमार पैदा अभी तक राजकुमार बनी नहीं है अभी तक मेल गैमेट बनी नहीं है जब बन जाएंगे तो इस पोर से बाहर निकलाएंगे इस खड्डे से बाहर निकलेंगे तो जब राजकुमार लोग को बाहर निकलना इन टाइम से आराम से निकल सकते हैं पर एग्जाइन बहुत खतरनाक है जो एसिड से नहीं टूटे जो टेम गर्मी से ना टूटे जो ठंडी से ना टूटे तो राजकुमार कैसे तोड़ पाएंगे तो वो ना टूटे तो इधर छोटे छोटे होल है इससे मेल गैमेट या राजकुमार निकल सकते है तो अभी अपने को पढ़ना है राजकुमार कैसे बनते हैं तो सिक्सटी परसेंट में मतलब जो प्लांट आप देखते हो अपने आजू बाजू उसमें राजकुमार जब आ, फीमेल जब मर्सिडीज़ जो होती है ना जो मे, पोलन ग्रेन है ना जब फीमेल पे फ्लावर पे आती है तभी बनता है राजकुमार और 40% परसेंट फोर्टी परसेंट एनजीओस में राजकुमार जब वो हवा से निकल जाता है एक प्लांट में से एक फ्लावर से निकल जाता है तभी बन जाता है मेल गैमेट तो किसी किसी में पहले ही मेल गैमेट बन जाता है किसी किसी में जब वो मर्सडिस पोलन ग्रीन के ऊपर वो दूसरे फ्लावर पर लैंड करती है तब जाके बनता है तो सिक्सटी में लेट बनता है फोर्टी में तो ये ये जेनेट्रिक सेल है ना ये म्योसिस करेगा तो इसके अंदर दो पोलन ग्रीन बन जाएंगे तो फिर से म्योसिस होने वाला है सॉरी माइटोसिस पहले मियोसिस हुआ मम्मी ने जन्म दिया माइक्रोस्पोर को मियोसिस मदर वाली सेल को फिर फिर माइटोसिस हुआ दो सेल बने वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल फिर माइटोसिस हुआ और जेनेटिव सेल में दो मेल गैमेट बने दो राजकुमार बने पर राजकुमारी एक ही को मिलेगी सबको नहीं मिलेगी तो जो मेल गैमेट पहले पहुंचेगा राजकुमारी के पास उसको राजकुमारी मिलेगी और जो लेट पहुंचेगा उसको नौकरानी से काम चलाना पड़ेगा तो ऐसा आएगा तो जो जल्दी पहुंचा उसको राजकुमारी जो लेट पहुंचा उसको नौकरानी तो ऐसा ही होने वाला है तो ये कैसे हुआ माइटोसिस से तो अभी भी मर्सिडीज़ में बैठे हैं कोई कोई में पहले से मर्सिडीज में बैठे रहते हैं कोई कोई में जब मर्सिडीज लैंड हो जाती है पोलन ग्रेन लैंड हो जाता है तब जाके मर्सिडीज नहीं पोलन ग्रेन बोलते हैं तो पोलन ग्रेन लैंड हो जाता है एग्जांपल इमेजिन रखो पोलन ग्रेन मर्सिडीज़ की तरह जिसकी दो कवरिंग है मर्सिडीज को थोको तो खराब हो जाती है पर पोलन ग्रेन नहीं खराब होता है कि उसके पास एक्साइन है और जो बहुत खतरनाक केमिकल से बना हुआ है तो जब समझो ये फीमेल का पार्ट है ये अपना फीमेल पार्ट है जिसको बोलते हैं पिस्टल ये पिस्टल पे जब राजकुमार आएंगे फिर राजकुमार आएंगे आएंगे जो सबसे पहले पहुंचेगा फीमेल के पास वो उसका पहले एक नौकराने क्या बोलते है? पहले चीज रहती है उसको पार करना पड़ेगा उसके बाद अंदर बैठी रहती है प्रिंसेस इंतजार कर रही है मैं राजकुमार कब आएगा राजकुमार को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हवा से उड़ के आना पड़ रहा है पानी से तैर के आना पड़ रहा है चिड़िया के ऊपर बैठ के आना पड़ता है जो पोलन गिर निकलते हैं ना तो ये हवा में उड़ के आते हैं शायद हवा में उड़ते उड़ते कहीं कचरे में ना गिर जाए तो मर जाएंगे आज नहीं तो कल मर जाएंगे और फीमेल का कुछ नहीं बस इंतजार करने का राजकुमार आ रहा है क्या नहीं आ रहा है नहीं आया तो मर जाने का ऐसा है पर इस सारी मेहनत तो मेल गैमेट को करनी पड़ती है उड़ उड़ के, के, के आना पड़ता है चिड़िया के ऊपर बैठ बैठ के आना पड़ता है मधुमक्खी ऊपर बैठ बैठ के आना पड़ता है इंसानों के हाथ के ऊपर बैठ बैठ के आना पड़ता है इसको फीमेल के पास आने के लिए कितना है एलो का और उसके बाद उसके बाद भी रेस लगी होती है जो जीतता है उसको फीमेल गैमेट मिलती है और फिर जाके ये बीज बनता है और ये बीज जो होता है ना और ये बाकी का जो फीमेल गैमेट है ना ये इसका फ्रूट बन जाता है तो समझो ये एप्पल है तो ये इसका फ्रूट जो है ना ये इसका बाकी का जो पार्ट है ना ओवरी में वो बन जाएगा फ्रूट और बाकी जो फ्लावर का पार्ट है ना सेप्पल पेटल सब कुछ टकला होकर गिर जाएगा तो प्लांट पूरी तरह से टकला हो जाएगा और टकला होने के बाद गिर जाएगा सब कुछ खाली ये ओवरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और मेल और फीमेल जो राजकुमार थे ना बच्चा था वो बीज बन जाएगा और वो जाके बीज बन जाएगा फ्लावर आम का जो बीज है वो एक निशानी है प्यार की एप्पल का जो बीज है वो एक निशानी है प्यार की इनकी सिक्सटी परसेंट एनजियोस में मेल गैमेट पहले बन जाता है फोटी परसेंट एनजियोस में जब ये यह यहाँ पे पहुंचता है फीमेल गैमेट पे ये जो लैंडिंग सेंटर है ना जैसे प्लेन एक जगह पे लैंड होता है तो ऐसे मर्सिडीज भी एक जगह पे लैंड होती है तो इसको बोलते हैं स्टिग्मा क्या बोलते हैं स्टिग्मा अब मर्सिडीज मत आप बोलना आप पोलन ग्रीन बोलना पोलन ग्रीन एक मर्सिडीज की तरह है जिसके दो लेयर है और उसके अंदर दो सेल हो सकते हैं सिक्सटी परसेंट में सेल पहले दो सिक्सटी परसेंट एनजियोस मतलब फ्लावरिंग प्लांट में सिक्सटी परसेंट फ्लावर प्लांट में ये सेल पहले मेल गैमेट नहीं बनते पर 40 परसेंट वाले में ये ये जो डेस्टिनेशन है मतलब जो अपना स्टिग्मा है स्टिग्मा है ना उसमें आने से पहले बन जाते हैं मेल गैमेट और 60 परसेंट में जब स्टिग्मा पे मसरीज पहुंच जाती तब जाके मेल गैमेट का जन्म होता है और जो जेनेटेटिव सेल देती है और फिर ये मेल गैमेट आते हैं अंदर की तरफ अंदर की तरफ कैसे आते हैं अंदर की तरफ एक टनल से आते हैं वो टनल बनाता है वेजिटेटिव सेल तो वेजिटेटिव सेल खाना भी खिलाता है मेल गैमेट को और वेजिटेटिव सेल टनल भी बनाता है और वो टनल से फीमेल कैमेट के पास पहुँचते जो राजकुमारी उसके पास पहुँचते और बीज बनाते हैं और बीज बनाने के बाद जो आज बचा हुआ पिस्टल होता है वो फ्रूट बन जाता है और बाकी जो पेड़ पत्ते थे ना नापल पेटल सब झड़ जाते प्लांट टकला हो जाता है और सब कुछ गिर जाता है और खाली एप्पल और फ्रूट और मैंगो बचता है और फिर वो आप आप आराम से खाते हो और सीड को फेंक देते हो तो ये एक कहानी है प्लांट्स की अब ये जो पोलन ग्रेन है ये जो पोलन ग्रेन है जिसके अंदर राजकुमार बैठे किसी किसी को एलर्जी होती है इससे मतलब अः किसी किसी को किसी किसी को अस्थमा आ जाता है इस चीजों से तो मतलब कोई कोई जन वो फ्लावर सूंघते हैं उनको खाते ऐसा होने लगते हैं ऐसा ऐसा वो लोग करते हैं उनकी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब पूरा अंदर से जो पाइप है ना ये सूझ जाता है और हवा अंदर नहीं आ पाती और लोग सांस नहीं ले पाते और लोग मर जाते हैं तो किसी किसी को एलर्जी है फ्लावरिंग प्लांट से उनके पोलन ग्रीन से उनकी गाड़ियों से मर्सिडीज से जिसके अंदर बहुत सारे सेल बैठे हुए हैं उसे एलर्जी है मर सकते हैं किसी किसी को ब्रोंकाइटस हो जाता है मतलब जो पाइप है अंदर की वो फूक जाती है सीने की लंग्स के अंदर की और वो सांस नहीं ले पाते तो मरने की संभावना होती है तो किसी किसी को एलर्जी है एक चाइनीज़ ग्रास है अपने इंडिया में आई है इसका बहुत ख़तरनाक साइंटिफिक नेम है तो वो जो चाइनीज़ ग्रास पहले इंडिया में नहीं थी पर जब इंडिया में आई तो उसने पूरी इंडिया में कब्जा कर लिया पूरे अपने और उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं ना उससे लोगों को प्रॉब्लम होती है चाइना देखो करोना तो फैला ही आई पर इसने ऐसी ग्रासेस भी हमारे देश में फैलाई हैं जो सांस लेने में प्रॉब्लम कर सकती है यहाँ तक ये यह जो पोलन ग्रेन है ना इसका सिरप बनता है सिरप इसके टेबलेट्स बनते हैं जो एथलीट जो एथेलिक जो वो रहते हैं ना जो स्विमिंग करते हैं और जो एथेलिक बोलते हैं उनको तो वो एथेलिक जो रेसिंग करते हैं गाड़ी चलाते हैं ये सब जो काम करते हैं जंपिंग करते हैं क्रिकेट खेलते हैं वो लोग सिरप पीते टैबलेट पीते बोलते हैं इससे ताकत मूव होती है यहाँ तक जो घोड़े की रेस होती है ना घोड़े की रेस उस घोड़े की रेस में भी घोड़ों को ये पोलन ग्रेन खिलाते हैं जिसके से घोड़े तेज भागते हैं ऐसा बोलते हैं पर ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूफ तो नहीं है पर ऐसा बोलते हैं कि पोलन ग्रेन खाओगे तो ऐसा ऐसा होगा पर पोलन ग्रेन से लोगों को एलर्जी भी होती है और ये पोलन ग्रेन का एग्जाइन इतना हार्ड है कि पोलन ग्रेन सालों में रह सकते हैं जो वीट है जो रात है। इनके पोलन ग्रेन एक एक लाइक एक हफ्ते दो हफ्ते एक महीने जी लेंगे पर कोई कोई पोलन ग्रेन तो इतना जी सकते हैं कि मैं क्या बताऊं सालों जी सकते हैं जैसे आम के और ये सब फ्रूट्स के पोलन के सालों जी सकते हैं वो राजकुमारी के बिना सालों रह सकते हैं सालों बाद भी आके राजकुमारी को फर्टिलाइज कर सकते हैं इतनी दम है कोई कोई पोलन ग्रेन में कोई कोई तो एक हफ्ते में या एक महीने में ही हार मान जाते तो ऐसे भी पोलन ग्रेन आपको मिलेंगे तो आप उन पोलन ग्रेन को देख के बता सकते हैं कि भाई करोड़ साल पहले कौन सा प्लांट होता था दुनिया के अंदर तो पोलन ग्रेन को अपन प्रिजर्व कर सकते हैं मतलब एक पोलन ग्रेन को अपन बर्फ में डाल देंगे या लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के प्रिजर्व और ओवम है ना इंसान के स्पम और ओवम को प्रिजर्व करके रखते हैं कोई इंसान होते है भाई ये बोलते भाई आज मुझे बच्चा नहीं पैदा करना है कल बच्चा पैदा करना है तो लोग अपने स्पम और ओवम को प्रिजर्व करते हैं वैसे अपन पोलन ग्रेन को भी लिक्विड नाइट्रोजन बर्फ की तरह होता है उसमें डाल सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं और सालों तक पोलन ग्रीन को अपने पास रख सकते हैं फिर करोड़ साल कितने सालों बाद आप वही बर्फ़ में निकला हुआ पोलन ग्रीन निकालेंगे और फिर फर्टिलाइज़ करेंगे प्लांट को और उसके बाद नया प्लांट आ जाएगा तो आप इतने सालों तक तो प्रिजर्व कर सकते हैं पोलन ग्रीन को तो पोलन ग्रह इसलिए आप उन पोलन ग्रीन अपने को बताता है कि सालों पहले कैसे पेड़ पौधे थे दुनिया के अंदर जब डायनासोर रहते थे पर अब डायनासोर नहीं है पर उन प्लांट भी नहीं है पर उनके पोलन ग्रीन अभी भी हमारे पास है जो हमको बताते हैं कि कैसे प्लांट हुआ करते थे उस जमाने में